हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान करे कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और स्वागत है आपको अपने चैनल गुनगुनादी किचन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये शाम का टाइम हो रहा है और मैं शाम के टाइम से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं अभी बनाई हूँ कॉफ़ी और हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ नीचे। नीचे हम लोग का शॉप है अपना एक, तो हस्बैंड मेरे जाते हैं, गवर्नमेंट टीचर में है, तो वहाँ से आने के बाद फिर शॉप में भी जाते हैं देखने। तो वहाँ नीचे शॉप में है, तो वहीं पे मैं जा रही हूँ उनको देने। तो फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग मेरा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आवाज़ स्किप कर दी हूँ क्योंकि बाहर बहुत शोरगुल हो रहा था। और ये देखिए, ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं ये हम लोग का ही है, और अभी ये ग्रिल लगा दिए हैं हम, और ये हम लोग तीसरे फ्लोर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे हमारा शॉप है। और ये देखिए, ये दादी और पोती मिलके खेल रही हैं यहाँ पे लीडो और अपना मनोरंजन कर रही हैं थोड़ा सा। अभी मैंने बैठा दिया है चाय इस साइड, मैं लाइट नहीं जला रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, तो मुझे लग रहा है ऐसा कि लाइट से और ज़्यादा गर्मी लगेगी। और अभी मैं बनाऊँगी आज के खाने में क्या, लिट्टी और चोखा। क्या मैंने उठा लिया, तो यहाँ पे मैंने सत्तू निकाल लिया है। जब तक मेरा चाय बन रहा है तब तक मैं सोच रही हूँ कि ये सत्तू वाला मसाला तैयार कर लूँ, लाइट जला ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सर में तेल लगाई हूँ तो इस वजह से गर्मी और लग रही है तेल की वजह से, क्योंकि सुबह शैम्पू करूँगी। और ये सैटरडे का ब्लॉग है, तो मतलब संडे के दिन शैम्पू करेंगे, और सैटरडे के दिन हम लोग सत्तू वाला चीज़ मतलब खाया जाता है, तो इसलिए हम लिट्टी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू बैठा दिया है और बैंगन को इस तरीके से दूसरे साइड, बैंगन को हम पका देंगे, आलू बैंगन और टमाटर का चोखा बनाएंगे। तब तक मेरा एक तरफ आलू भी उबल जाएगा और एक तरफ ये बैंगन भी पक जाएगा। और इसके बाद मैंने सत्तू में बहुत सारे मसाले डाल दिए हैं, जैसे जो जो डाला जाता है। और इसमें मैंने नमक, तेल, नींबू, हरी मिर्च, अदरक इसमें डाल दिए हैं और अचार का मसाला, और वही टेस्ट कर रही थी कि कैसा है, बहुत टेस्टी बना था। अभी तो प्याज लहसुन का यूज मैं नहीं कर रही हूँ सावन में, फिर भी अच्छा ही बन गया था क्योंकि मम्मी बोली कि बनाना लिट्टी ही चोखा, तो इसीलिए मैं लिट्टी चोखा का तैयारी की हूँ। ऐसे सैटरडे को बनाती भी हूँ, लेकिन मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि बिना लहसुन का अच्छा नहीं लगेगा सत्तू, लेकिन बहुत अच्छा बन गया था। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आटा लिट्टी के लिए। तो आटा लिट्टी के लिए एकदम टाइट आटा लगाना होता है, बहुत ही टाइट, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और गूँथ के यहाँ पे रख दूँगी। तब तक मेरा ये चोखा का तैयारी करूँगी, तब तक हमारा आटा का भी ये हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा। और ये देखिए, एक बैंगन को मैंने पका लिया है, मैं तीन बैंगन पकाई थी और एक रखी हूँ, ये पक जाएगा तो फिर उसको भी कर दूँगी। और इस साइड मेरा ये सिट्टी भी देखिए लग गया है। और वैसे भी हमारा बिहार लिट्टी चोखा से ही प्रसिद्ध है, तो ज़्यादातर ही लोग यहाँ के लोग बनता है और लोग खाते हैं लिट्टी चोखा, तो हफ्ते में एक बार बन ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा सत्तू भी रेडी हो गया है और उधर आलू भी बॉईल हो गया है, और ये देखिए बिल्कुल टाइट मैंने आटा लगा के रख दिया है। और तब तक अब चोखा बना लेते हैं, इसके बाद फिर रूम में लेके जाएंगे, तो मैं और मम्मी दोनों लोग मिल के पता नहीं कैसे रोज अच्छे से रात में पानी खत्म हो जा रहा है।
रोज रात में पानी खत्म हो जा रहा है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई पूजा रूम में, क्योंकि अपने खाना खाने से पहले मैं भगवान लोग को दूध पिलाती हूँ और उनको सुलाती हूँ, और इसमें का पूजा रूम का लाइट ऑफ करती हूँ। मतलब शाम का रूटीन क्या है कृष्ण भगवान का, वो आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध उन लोग का भोग लगा के और बाकी सब इनका ज्वेलरी निकाल के जो पहने रहते हैं उनको निकाल के मैं यहाँ पर सुला दूँगी, और इस तरीके से मेरा शाम का रूटीन रहता है। और इसके बाद पूजा रूम से निपट के पूजा रूम से आई तो फिर मैं चोखा बनाई, और चोखा बना के फिर मैं आ गई यहाँ पे लिट्टी भरने। तो मैं और मम्मी यहाँ पे बातें करते करते लिट्टी भर रहे हैं, क्योंकि इसी रूम में एसी है तो गर्मी इतनी है, काफ़ी है, इतनी काफ़ी है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कुछ बताने लायक है ही नहीं, इतनी गर्मी है कि मन कर रहा है बस चुपचाप इसी रूम में पड़े रहें, कहीं कुछ ना बनाए ना खाए ना कुछ ना करें, लेकिन क्या करें ऐसा हो ही नहीं सकता है, बनाना तो है ही। तो इसीलिए सारा तैयारी करके मैं इसी रूम में आ गई कि हम मम्मी इसमें बैठ के भर लेंगे, और बेड पे ही यहाँ पे टेबल वो वाला उसी पे रख के हम लोग यहाँ पे भर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं साथ साथ में भर रहे हैं। तो इसके बाद मैं ले जाके भर लेंगे, तो थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं उधर जाऊँगी सेकूँगी, और इसके बाद हम लोग खाना खाएँगे। तो मैं देखिए यहाँ पे अपने पैन में ही सेकती हूँ, और इतना बढ़िया इसमें लिट्टी बन जाता है कि मतलब बहुत बढ़िया बनता है, बिल्कुल ऊपर से एकदम क्रिस्पी और फट जाता है। आँच बिल्कुल कम करना है आपको, मतलब हिसाब इसका एक रखना होता है कि किस तरीके से सेकना है। आँच को बिल्कुल मतलब ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, मतलब हाई वाला वैसा वाला नहीं। तो और ढक ढक के इसको पकाया जाता है ताकि अच्छे से ये पके, और थोड़ी ही थोड़ी देर में इसको हटा के ढक्कन इसको उलट पलट दिया जाता है ताकि चले ना एक साइड से। और मैं आपको दिखाऊंगी बहुत बढ़िया लिट्टी इसमें बनता है। एक साइड मैंने चढ़ा दिया है तवा, क्योंकि गुनगुन का दांत में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, वो मेडिसिन ले रही है फिर भी उसका थोड़े थोड़े देर पर दांत दर्द हो ही रहा है, पता नहीं कैसे क्या हुआ है। तो वही उसके लिए मैं बनाऊंगी रोटी, और दूध और रोटी मैं उसके लिए भिगा के रख दूंगी, फूल जाएगा अच्छे से तो उसको मैश करके दे दूंगी और वो मतलब उस तरीके से खा लेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे ही बारी बारी से सेक लूँगी यहाँ लिट्टी, और एक साइड मैंने रोटी बना लिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरा खाना हो गया है रेडी, आप लोग भी आइए खा लीजिए, और ये देखिए अब मैं लेके जा रही हूँ खाना देने। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नए ब्लॉग के साथ, नए रेसिपी के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।